Hey guys, what's up? Guys, this is Ravinder Singh. You are watching Quick Fix Tech. दोस्तों आज मैं आपको टू वे स्विच जो मैंने अपने इन्वर्टर पर लगाया हुआ है स्टैंड बाई के लिए बाईपास के लिए जो मैंने स्विच लगाया हुआ है रात को बैटरी डिस्चार्ज ना हो, बैटरी पे बैक लोड ना चले, उसके लिए। दोस्तों मैं जानता हूँ आपके मन में आ रहे होंगे सवाल कि इसमें इन्वर्टर में यूटिल गाँव प्लस में PCU मोड होता है, स्मार्ट मोड होता है, हाइब्रिड मोड होता है, उन मोड से ये जो है क्या उस मोड से कुछ होगा कि नहीं, उनको चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा तो कि नहीं। दोस्तों उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ मैनुअल ही करनी पड़ेगी। मैंने सब कुछ करके देख लिया, PCU मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, किसी से कुछ नहीं होता। हाइब्रिड मोड से आपका इन्वर्टर ज़्यादा करके बिजली से ही चलेगा, नुकसान होता है, बैटरी का वो यूज़ नहीं करता है और सोलर को भी सेकेंड पे रखता है, प्रायोरिटी पे, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। PCU मोड से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और स्मार्ट मोड और PCU मोड में मेरे को कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। तो दोस्तों मैंने ये मैनुअल काम किया है और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, और बहुत से लोग जानना चाहते थे स्विच किस तरह से लगाया है, कि इसके कनेक्शन कैसे हैं, वो मैं आज इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ ब्रीफली थोड़ा सा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके घर में सोलर इन्वर्टर लगवाया हुआ आपने और वो सिंगल बैटरी का है, मेरे पास UTL गामा प्लस है सिंगल बैटरी का, अगर आपके पास कोई भी इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, सिंगल बैटरी का है, तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। आपको निराशा हो रही होगी कि मैंने सोचा था कि बिल ज़ीरो हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों बिल उतना ही आ रहा है। तो उसका कारण ये होता है दोस्तों कि आपका दिन में जब इन्वर्टर होता है, धूप निकली होती है, तो वो सोलर पे चल रहा होता है। सोलर पे वो अगर लोड आपका कम है तो आपका बैटरी भी चार्ज हो रही होगी और सोलर से आपका लोड भी चल रहा है। अगर आपका लोड ज़्यादा इन द सेंस पूरा लोड डाल रखा आपने, तो वो क्या कर रहा है इन्वर्टर आपका लोड को बैटरी से भी चला रहा है, शेयरिंग पे चलता है वो, सोलर से अभी लोड चल रहा है, जो सोलर प्लेट से एनर्जी बन रही है उससे भी लोड चल रहा है और बैटरी से भी चल रहा है। तो ये भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो जो अपना UTL गामा प्लस है वो शेयरिंग कर लेता है, आपका लोड ज़्यादा है और सोलर से जनरेशन कम हो रही है, उसको और ज़रूरत है पावर की आपके लोड को, तो वो क्या है इन्वर्टर सेंस करता है कि पावर की कमी हो रही है, लोड ज़्यादा है और पावर कम आ रही है सोलर से, तो जो बाकी की पावर है वो आपकी बैटरी से ले लेगा और आपके लोड को चला देगा। तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी है UTL गामा प्लस में, वो शेयरिंग कर लेता है और भी अगर कम पड़ रहा है, जैसे कि आपका सोलर से भी ले लिया और बैटरी से भी ले लिया, उसके बावजूद भी आपके लोड को कमी पड़ रही है, पावर की ज़रूरत है, तो वो आपका फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी ले लेगा, थोड़ा बहुत पावर को पूरी कर देगा वो। तो ये स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है वो UTL गामा प्लस में है, वो शेयरिंग करता है। तो इस शेयरिंग से ही एक नुकसान ये होता है कि आपका दिन के टाइम में वो जो है बैटरी को भी खर्च कर रहा होता है, बेशक धूप निकली हुई है, लोड चल रहा है, तो वो क्या शेयरिंग पे चल रहा है, बैटरी भी खर्च हो रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मॉनिटर करने वाली बात होती है, मॉनिटर करना पड़ता है, पर हम सब इतना कर नहीं पाते हैं, हर वक्त फ़ोन देखता रहे उसके डिस्प्ले को कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है हर वक्त करना, तो थोड़ा सा काम ये होता है कर सकते हैं हम कि एक बाईपास स्विच लगा लें, टू वे स्विच आता है जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो टू वे स्विच लगा कर आप अपने जो है इस नुकसान को बचा सकते हैं। होता क्या है कि रात को अगर आपका, चलो मान लिया कि दिन में जो है आपका बैटरी भी चार्ज हो रही है और सोलर से लोड भी चल रहा है, आपका लोड इतना नहीं है, तो क्या होगा रात के टाइम आपकी बैटरी जो है इन्वर्टर पे चार्जिंग होगी ग्रिड से, रात होगी बैटरी आपकी चलेगी बैकअप पे, कितनी देर चलेगी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि 100 वोल्ट के लोड पे 5 घंटे 40 मिनट चली, तो खाली 100 वोल्ट तो आप चलाएंगे नहीं गर्मियों के टाइम में, हर एक के घर में 2-3 पंखे होंगे, अधिकतर के घर में 2-3 कमरे होते हैं, 2-3 पंखे चलेंगे ही चलेंगे, और वो जो है 200-250-300 वोल्ट हो गया तो फिर वो बैटरी तुरंत ख़त्म हो जाएगी कुछ ही घंटों में। उसके बाद क्या है, आपका इन्वर्टर आ जाएगा ग्रिड पर, मेन पर, और बैटरी चार्ज होने लग जाएगी मेन से, तो ये नुकसान होगा। आपने जो सेविंग करी सुबह दोपहर में वो आपका नुकसान हो जाएगा रात को, वो सारी सेविंग बर्बाद कर देगा रात को, बैटरी चार्ज करके मेन से आपका मीटर चलेगा रात भर, बैटरी को चार्जिंग करेगा फिर और लोड भी चलेगा, तो नुकसान हुआ ना डबल, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ सोलर का, इसलिए बिल में कोई कटौती होगी नहीं। तो उसके लिए आप रात के टाइम पे इन्वर्टर बैटरी का यूज़ ही ना करें, अपने मेन चलाएं, क्या नाम, मेन से चलाएं लोड को, और ये क्या नाम, जब लाइट चली जाए अगर आपकी तब आप इन्वर्टर चला लें, और अगर लाइट नहीं जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आपकी लाइट जाती है तो मेन पे चला, वो ग्रिड से अगर आपकी लाइट जाती है तो बैटरी से चला लें, इन्वर्टर ऑन कर लें, और अदरवाइज इन्वर्टर को ऑफ रखें, मतलब बैटरी को खर्च ना करें, तो फिर बैटरी सेव रहेगी, बैटरी चार्ज रहेगी, सुबह होगी तो सुबह बैटरी सोलर को चार्ज मिलेगी पूरी, वो चार्जिंग बैटरी को उसको करना नहीं पड़ेगा, जितना भी वो जनरेशन करेगा वो सारा आपको लोड पे दे देगा, लोड चलाएगा आपका पूरा का पूरा, तो हो जाएगा फ़ायदा।
क्योंकि बैटरी उसको चार्ज मिली। अगर आपको क्या नाम है उसको बंद नहीं करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज मिलेगी, चार्ज तब भी मिलेगी क्योंकि रात भर बैटरी चार्ज होगी, बट उससे क्या है कि नुकसान तो हो ही गया रात को आपका, बिजली चली, ठीक है, तो ये नुकसान होता है। तो इसीलिए ये टू वे स्विच लगाना ज़रूरी है, या तो आप मैनुअल प्लग हटा के करें या फिर आप इस तरह से टू वे स्विच लगा लें। अगर आप लगा सकते हैं तो खुद लगाएं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रीशियन से लगवाएं। मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूं फटाफट। दोस्तों मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूं, एक बार को दो तीन बार बोल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जो मैं समझाना चाहता हूं। कई लोग कमेंट करते हैं और उनको बुरा लगता है कि मैं एक ही बात को दो दो तीन तीन बार क्यों बोलता हूँ, मैं इतनी वीडियो को लंबी क्यों खींचता हूँ। तो उसका कारण यही है कि मैं डिटेल में समझाता हूँ और अच्छे से समझ आ जाए कोशिश करता हूँ, ताकि आपको दोबारा मेरी वीडियो देखनी ही ना पड़े। तो यही कारण होता है लंबी वीडियो बनाने का, बट मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो करने की, फिर भी बन जाती है क्योंकि मुझे अच्छे समझाना पसंद है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो अभी लंबी हो रही है, आपको फिर नाराज होंगे आप। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप बोर्ड, नीचे मेन पे है, ऊपर इन्वर्टर मोड है, ये स्विच है, तो दोस्तों ये बोर्ड आ गया। ये जो पीली तार देख रहे हैं आप, ये वाली, यही वो स्विच है, और ये पीली तार, ये पीली तार यही वाली है, ये गई हुई है इन्वर्टर के आउटपुट में, यहीं से इन्वर्टर अपनी बिजली निकाल रहा है, आउटपुट दे रहा है, और ये जा रही है इस स्विच पर, यहाँ पर। अब ये स्विच ऊपर को होता है तो ये यहाँ से करंट होते हुए इन्वर्टर का, इससे होते हुए इस तार ब्लू तार से, ये जो देख रहे हैं ये वहाँ लोड पे चली गई, घर में चली गई, ठीक है। अब ये स्विच इधर को ऊपर को होता है तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ये और इससे इन्वर्टर का करंट उधर जा रहा है घर में। अभी अगर इस स्विच को मैं प्रेस कर दूँगा तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, इधर से दिखाता हूँ, इसकी और इसकी, ये इन दोनों की, ये है मेन सप्लाई ग्रिड से जो आ रही है, इसकी इससे हो जाएगी, तो ये ग्रिड वाली सप्लाई जाएगी इधर से घर में, और ये जो है कट हो जाएगी पीली तार की, यहाँ से ये सप्लाई यहीं कहीं रुक जाएगी, ये दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। और अगर ऊपर कर देंगे तो ये इन्वर्टर का से कनेक्ट हो जाएगा और इन्वर्टर की सप्लाई जाएगी उधर, ग्रिड से कट जाएगा। तो ये होता है टू वे स्विच। मेरे को लगता है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देख सकते हैं आप, ये पीली तार इन्वर्टर की है और बीच में जो है ये ब्लू तार कलर की, ये घर में गई हुई है, और वो उस नीचे की वाली मेन सप्लाई की तार है जो ग्रिड से आ रही है, तो वही है, बीच में कॉमन है, ऊपर नीचे से कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर हो गया तो इन्वर्टर से हो गया, नीचे हो गया तो ग्रिड से हो गया, यही चीज़ होता है बस। अगर आपको ये नहीं कर सकते, आपने बिजली का काम नहीं किया है, तो इसको ना करें, करंट लगने का पूरा खतरा है और शॉर्ट सर्किट का भी खतरा है, इसलिए इसको आप वीडियो दिखाकर अपने इलेक्ट्रीशियन से भी करवा सकते हैं, वो वीडियो देखते ही तुरंत समझ जाएगा ये क्या हुआ है, वो फटाफट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये एक और काम करना है, मेन को ऑफ रखें, बिजली ना दें अपने इन्वर्टर को, वरना ये कंज्यूम करेगा, बैटरी चार्ज करेगा इससे, बिजली से। तो मैंने बिजली काट रखी है, ये स्विच आप देख रहे हैं ऑफ ही रहता है, तो ये इसीलिए ऑफ है। मैं जितना भी यूज़ करूँगा सोलर, धूप से जो जनरेट होगी सोलर पावर, उसी का यूज़ करूँगा, बिजली का यूज़ नहीं करूँगा जो ग्रिड से आ रही है। तो यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, नीचे लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको ये इन्वर्टर बैटरी या सोलर प्लेट या कोई भी चीज़ सोलर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ जाकर आप उसके रेट ट्राई कर सकते हैं, अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।